एज यू नो कि नीट 2024 में बहुत सारी इरेगुलरिटी जो ही है, उसी के अंडर एक और नया स्कैम सामने आया है, जहाँ पे गुजरात पुलिस ने जो गोधरा जगह है वहाँ पे एक कोचिंग ऑनर को, स्कूल के प्रिंसिपल को और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। और रीज़न ये है कि उन्होंने नीट 2024 के एग्ज़ाम में जो स्कैम है यानी कि चीटिंग करवाई थी, और जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनको ये कहा गया था उनसे पैसे लेके, लगभग 3 करोड़ के आसपास टोटल मनी उनसे उन्होंने कलेक्ट की। और बच्चों से कहा गया था कि भाई आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली छोड़ दीजिए जो आपको नहीं आता है, बाद में उसको फिलअप कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो सुपरिटेंडेंट सीबीएसई ने या एनटीए ने वहाँ पे भेजा था वो भी उसमें शामिल है, और साथ ही साथ स्कूल प्रिंसिपल यानी कि पूरा जितने भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह इंक्लूड है, पेरेंट्स और बच्चे ये सब इंक्लूड है। तो इनके ऊपर FIR हुई है और ये एक बहुत बड़ी घटना है एज यू नो। और बहुत सारे ऐसे केसेस जो है ऑल ओवर इंडिया, बिहार में केस फाइल हुआ था, तो बहुत सारे केसेस ऐसे फाइल हुए हैं। तो देखते हैं क्या स्टैंड लेता है NTA के बारे में। तो स्टे ट्यून फॉर द अपडेट। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस आपको पता है कि एज यूजुअली जो है वही रहने वाली है, और जो बाकी बच्चे हैं उनका पेपर 23rd को है, यानी कि जो 1600 बच्चे हैं लगभग उनका जो पेपर है री एग्जामिनेशन वो होना है। उसमें NTA ने उनको ऑप्शन भी दिया है